नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। संडे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के 7 बजे आप सबका स्वागत है। और इस लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं युवाल नोआ हरारी, एक इजरायली लेखक हैं ये, और इनकी एक किताब 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी, इससे हम समझ रहे हैं उन आवश्यक मुद्दों को जो 21वीं सदी में हर एक मानव को, हर एक देश को प्रभावित करने वाला है। पिछले जो लेक्चर थे हमारे संडे मोटिवेशन मंत्रा में, उसमें हमने 7 लेसन्स पर बात की थी। आज हम 8वें लेसन से स्टार्ट करेंगे और 14th लेसन तक जाएंगे। आज के इस लेक्चर में हम बहुत जरूरी मुद्दे जैसे रिलीजन और वार के बारे में भी समझेंगे कि लेखक का क्या कहना है। तो 8वां जो लेसन इस बुक में है वो है रिलीजन। रिलीजन का साधारण तौर पर मतलब लिया जाता है धर्म, और लेखक कहते हैं कि धर्म मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो इसकी रैशनलिटी पर जोर देते हैं। लेखक कहते हैं धर्म तो जरूरी है, लेकिन एक इरेशनल धर्म, धर्म की कुछ बातें गलत भी होती हैं, इसलिए हमें साइंटिफिक सोच का सहारा लेना चाहिए और धर्म व विज्ञान दोनों के बीच में बैलेंस बिठाना सीखना चाहिए। लेखक का मानना है कि कुछ लोग धार्मिक होने के बाद कट्टरवादी हो जाते हैं, जिनसे दंगा और हिंसा फैलने लगता है। इससे देश की पीस और इकोनॉमी दोनों बर्बाद होती है। धर्म हमें होप देता है, मतलब आशा धर्म से मिलती है, और हमारा डिप्रेशन कई बार धार्मिक होने से दूर हो जाता है। इसके अलावा धर्म में लिटरेचर, आर्किटेक्चर, यूनिटी जैसे बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स भी होते हैं। हमें ये भी याद रखना चाहिए कि धर्म की किताबें सदियों पहले लिखी गई हैं और वे पूर्ण रूप से सही नहीं हैं, वो बहुत अधूरी भी हैं। जैसे किसी धार्मिक किताब में सैटेलाइट, वैक्सीनेशन, फेसबुक, रोबोट आदि का जिक्र नहीं मिलता। इसीलिए हमें साइंस और रिलीजन के अच्छे एलिमेंट्स को अपनाना चाहिए और बुरे एलिमेंट्स को त्याग देना चाहिए। 9वें लेसन में लेखक इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं। लेखक का कहना है कि बहुत बार एक देश के लोग दूसरे देश में माइग्रेशन करते हैं, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाते हैं, प्रवास करते हैं। इससे प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ लोग इसे सपोर्ट करते हैं, जबकि बहुत सारे देश इसे नापसंद करते हैं। लेकिन जो नापसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि वे रेसिस्ट हैं, बल्कि वे कल्चरिस्ट होते हैं। वे अपने कल्चर को बचाए रखना चाहते हैं, ताकि बाहर से आए लोग उनके कल्चर को खराब ना करें। इसीलिए वे माइग्रेंट्स चाहते ही नहीं हैं। सरकार को उचित पॉलिसीज बनानी चाहिए, ताकि एक दूसरे के कल्चर को लोग नष्ट न करें, बल्कि अपने अपने जोन में फले फूलें। 10वें लेसन में लेखक ने टेररिज्म के बारे में बात की है, और आतंकवाद के खतरों पर वो प्रकाश डालते हैं। वो कहते हैं कि आतंकवाद का खतरा हमेशा ही बना रहता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। कुछ लोग सेपरेटिस्ट बन जाते हैं और अपने लिए नए देश की मांग करने लगते हैं। कई बार धार्मिक कट्टरवादिता की वजह से लोग टेररिस्ट बन जाते हैं, और अनएम्प्लॉयड यूथ भी पैसों के लिए ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। इसलिए सरकार को नेगोशिएशन के जरिए ऐसे ग्रुप्स की काउंसलिंग करनी चाहिए और देश से गरीबी और बेरोजगारी को हटाने का पहला प्रयास करना चाहिए। 11वें लेसन में लेखक वार यानी युद्ध के बारे में बात करते हैं। लेखक का कहना है कि पहले ही 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, जिसमें करोड़ों लोगों की जाने गई हैं और इकोनॉमीज धराशायी हो गई हैं। हमें उनसे सबक लेना चाहिए और फ्यूचर में कोई भी वर्ल्ड वार नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि 3rd वर्ल्ड वार सब कुछ तबाह कर देगी। बहुत से देशों के पास एटम बम हैं, और इनमें से किसी की भी जीत नहीं होने वाली है। सब एक दूसरे पर एटम बम फेंकेंगे, जिससे ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी और पृथ्वी पर कोई भी नहीं बचेगा। 12वें लेसन में लेखक ह्यूमिलिटी के बारे में बात करते हैं, और लेखक का मानना है कि आजकल दूसरों की हेल्प करने की प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। सब लोग अपना सेल्फ इंटरेस्ट सोच रहे हैं। इस तरह की ह्यूमैनिटी जीवित होते हुए भी मृत मानी जाएगी। बहुत से लोग इंटरनेट की वजह से अपने सेल फोन में ही बिजी रहते हैं। सामने दोस्त बैठा हो तो भी उसकी बातें सुनकर अनसुना कर देते हैं। बहुत सारे लोग सेल फोन पर फालतू के वीडियोज देख रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग अपना समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे होते हैं, जबकि हमें एक दूसरे का सहयोग करना सीखना चाहिए, ताकि ह्यूमैनिटी जिंदा रहे। 13वें लेसन में लेखक गॉड यानी ईश्वर के बारे में बात करते हैं। लेखक का कहना है कि गॉड का होना सिर्फ विश्वास पर निर्भर करता है, इसलिए हर कोई आजाद है गॉड यानी ईश्वर को मानने या न मानने के लिए। इसीलिए किसी पर भी गॉड का कॉन्सेप्ट, ईश्वर का कॉन्सेप्ट थोपा नहीं जाना चाहिए। अगर कोई ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है, लेकिन ह्यूमैनिटी की सेवा में लगा हुआ है, तो उसे अच्छा इंसान माना जाना चाहिए। इसलिए यदि कुछ लोग अपराध करने से पहले ईश्वर की पूजा कर रहे हैं और वो धार्मिक हैं, तो भी क्या उन्हें अच्छा इंसान माना जाएगा। इसीलिए धर्म का दिखावा करने वाले लोग अच्छे इंसान हों, ये जरूरी नहीं है, बल्कि अच्छा काम करने वाले लोगों को अच्छा इंसान माना जाना चाहिए। लेखक अपने 14वें लेसन में
सेक्युलरिज्म पर बात करते हैं। सेक्युलरिज्म जिसे हिंदी में पंथ निरपेक्षता कहा जाता है। लेखक का ये कहना है कि सभी देशों में तरह तरह के रिलीजियंस, कास्ट और क्रीड्स पाए जाते हैं, इसीलिए उन सब का सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन चुनाव जीतने के लिए बहुत से नेता इन रिलीजियंस में मतभेद पैदा करवा देते हैं, दंगे, हिंसा, नफरत, ध्रुवीकरण फैलाते रहते हैं। सोशल मीडिया के दौर में ये सब करना और आसान हो गया है। इससे जो भी वर्ग मेजोरिटी में होता है उसके वोट उस नेता को मिल जाते हैं और वो सत्ता पर काबिज हो जाते हैं। फिर करप्शन के जरिए देश को लूटा जाता है और जनता दुख भोगती रहती है। इसीलिए सेक्युलरिज्म जो है इसका सम्मान होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी रिलीजन, कास्ट या क्रीड से आता हो, हमें उन सब का सम्मान करना चाहिए। 15वें लेसन में लेखक इग्नोरेंस के बारे में बात करते हैं। लेखक का कहना है कि मानव के बहुत सारे डिसीजन अज्ञानता से भरे होते हैं। वे इमोशनल होकर डिसीजन लेते हैं, न कि लॉजिकल होकर। एक देश दूसरे देश से दुश्मनी इसीलिए रखता है क्योंकि वे अपने पास्ट में हुए अपमान का बदला लेना चाहता है या अपनी सुपीरियरिटी को कायम करना चाहता है। लेकिन यह सिर्फ इमोशनल बातें हैं और इनका कोई औचित्य नहीं होता। लेखक कहते हैं कि इसके बदले अगर दो देश आपस में दोस्ती का हाथ बढ़ाएं तो उनके बीच में व्यापार बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी और युद्ध का खतरा भी टल जाएगा। तो ये बेहतर बातें लेखक अपने 21 लेसन्स में कह रहे हैं, जिसमें लेसन नंबर 14 तक आज के लेक्चर में हम पहुंचे हैं। मुझे उम्मीद है कि इन छोटी छोटी बातों से आप बहुत कुछ सीख रहे होंगे। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, खरीद कर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर नीचे दिए लिंक में जाएं और आज ही अमेजोन से ये किताब खरीद सकते हैं। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बचे हुए और 7 लेसन्स हैं जो मैं अगले संडे मोटिवेशन मंत्रा में लेकर आऊँगा। और मेरी कोशिश ये है कि जो भी कुछ किताबें मैं पढ़ रहा हूँ उसका जो एसेंस है, जो उसकी सार है, जो उसमें कमाल की बातें हैं, जो मैं सीख रहा हूँ, वो आपसे शेयर करता रहूँ। जुड़े रहिए आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म मेरी शिक्षा से। जानते समझते रहिए मोटिवेशन की और बातों को। नमस्कार, जय हिंद।